नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल SS Solution में आपका स्वागत है। आज आपको हम दिखाएंगे HP का डेस्कटॉप, जिसका मॉडल है HP Slim Desktop S01-PF2008 IN। इसको आज अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि इसमें क्या फीचर्स, क्या मॉडल और क्या क्या चीज़ एसेसरीज इसमें होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डब्बा में ये प्रीलोडेड आपका MS Office और विंडो साथ में दिया हुआ है। बाकी अंदर में फीचर्स क्या क्या होता है ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा छोटा सा सीपीयू है। ये हमारा छोटा सा सीपीयू, ये हमारा कोर i5 है, ये हमारा 11th जनरेशन है। और आपका इधर देख सकते हैं कि ऑफिस प्रीलोडेड है, होम एंड स्टूडेंट, ठीक है। इसके साथ ये मिलता है, प्लस एक्सेसरीज में आपको दिखाते हैं कैसे और मिलता है। ये देखिए हमारा हो गया ये पावर केबल, ये हमारा माउस और इसमें हमारा कीबोर्ड है। बस इसमें आपका इतना ही कुछ होता है। और अब आपको इसका मॉनिटर दिखाते हैं, मॉनिटर का क्या लुक है। मॉनिटर इसमें आप देख सकते हैं V20 HD+ मॉनिटर है, मतलब ये 20 इंच का है। बहुत सारे सिस्टम में आपको 18.5 इंच का मॉनिटर मिलता है, बट HP में 20 इंच का मॉनिटर मिलता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये वारंटी कार्ड है, ये हमारा HDMI साथ में होता है, देख सकते हैं। ये HDMI भी दिया हुआ है, जिससे HDMI से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, VGA से भी कर सकते हैं। ये हमारा एक पावर केबल है, ये हमारा स्टैंड हो गया, काफी सुंदर लुक है। ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये देखो हमारे 20 इंच का मॉनिटर। ये हम लोग इसको ऐसे सेट भी कर सकते हैं, हमारे बैक पे ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके ब्लॉक हो गया। इसके बाद हम देखिए इसमें आपको ऑफिस, होम एंड स्टूडेंट दिया हुआ है। प्लस देखिए आगे में आपका बहुत सारा यूएसबी पोर्ट 4 दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और एक आपका हेडफोन के लिए दिया हुआ है। ये आपका पावर बटन हो गया, कोर i5 इंटेल प्रोसेसर। और पीछे इसका हम लोग देखते हैं, देखिए एक HDMI दिया हुआ है, एक आपका ऑडियो और एक माइक के लिए और एक हेडफोन के लिए दिया हुआ है जैक, ठीक है। और प्लस आपका 4 यहाँ पे USB दिया हुआ है, एक आपका लाइन दिया हुआ है, एक आपका VGA दिया हुआ है, ये सीरियल पोर्ट दिया हुआ है और एक पावर के लिए दिया हुआ है। मतलब टोटल आपका USB इसमें 8 USB मिलता है, प्लस एक HDMI, एक VGA मिलता है। आप कनेक्शन या तो VGA से भी कर सकते हैं या HDMI से भी कर सकते हैं, बट आपके इसके साथ यहाँ पे HDMI ही मिला हुआ है केबल। तो आप HDMI के साथ मॉनिटर में देखिए, मॉनिटर में आपका नीचे साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कि VGA और USB से कनेक्ट होगा, HDMI से। उधर देखिए पावर है और पीछे में देखिए इसका 5 बटन दिए हुए, एक ऑटो बटन है और एक पावर बटन है, बाकी ब्राइटनेस वगैरह आपका मैनेज करने के लिए दिया। ये काफ़ी अच्छा लुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें 8 पोर्ट मिला हुआ है USB का, तो आप तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।